कारोबार संभाला है, क्या कहेंगे? देखिए, एसपी रामपुर के रूप में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल करना, साथ ही साथ पुलिस का जनता के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति, महिलाओं, बच्चों, मीडिया के प्रति अच्छा व्यवहार रखना एवं पुलिस और प्रशासन की शासन प्रशासन की छवि उज्ज्वल रखना, ये मेरी प्रायोरिटी होगी। अपराधियों के प्रति किस तरह से कार्य किया जाएगा? देखिए, अपराधियों को किसी भी तरह का अपराध नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आने वाले दिनों में त्यौहार भी हमारे आ रहे हैं, बारह वफात है, गणेश प्रतिभा विसर्जन है, इस सब पर मेरी नज़र होगी जहाँ भी जुलूस वगैरह है। और मैं श्योर करता हूँ कि सब शांतिपूर्वक पूरे हमारे पुलिस बल के साथ सफलतापूर्वक कराए जाएंगे। सर, रामपुर की व्यवस्था को लेकर, क्राइम जो बढ़ रहा है उसको लेकर कोई खाका आपकी तरफ से तैयार है? अभी तक जो मैंने एनालाइज़ किया है, क्राइम अंडर कंट्रोल है। मेरे पूर्वाधिकारी ने इस पर काफ़ी काम किया है। जो भी पेंडिंग चीज़ें हैं उनका निस्तारण किया जाएगा और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ उन्हें जेल भेजा जाएगा बल्कि उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ 14(1) के तहत वसूली की जाएगी उनकी प्रॉपर्टीज़ की। रामपुर के लोगों से क्या अपील करेंगे? रामपुर के लोगों से मेरी सबसे पहले अपील ये है कि मैं आपके शहर में आया हूँ, आपकी सुरक्षा के लिए आया हूँ। जो भी कानून है उनका पालन करें और ये उम्मीद मुझसे करें कि किसी भी तरह की कोई उन्हें तकलीफ होगी तो उनके साथ खड़ा होगा। देखिए, जुआ और सट्टा की जहाँ तक बात है कि ये कुछ उन अपराधों की श्रेणी में आते हैं जो कि सामाजिक रूप से तो बहुत नुकसान करते हैं, किंतु उन्हें 7 वर्ष से कम की सज़ा होने के चलते उन्हें तुरंत न जेल भेज सकते हैं और न ही कोई सबक सिखा सकते हैं, बल्कि कभी कभी इसके विपरीत परिणाम निकल आते हैं। भागने दौड़ने में कभी कोई गिर जाता है, कुछ भी आता है। मेरी इसमें प्राथमिकता ये रहेगी कि जो उनके पुराने केसेज हैं, ऐसे लोग को गैंगस्टर एक्ट में जब हम कार्रवाई करेंगे तो न सिर्फ वो लंबे समय तक जेल में रहेंगे बल्कि जो उन्होंने अवैध कृत्यों से संपत्ति अर्जित की है उनको भी कब्जे में किया जा सकेगा, तो इस ओर मेरा पूरा ध्यान है। सर, सेटिंग बाज लोगों को मैंने पहले बता दिया, क्राइम एंड ऑर्डर पे कंट्रोल और साथ ही साथ जो हमारे शासन के जो हमारे अभियान हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कायदे से पूरा करना और अपने जो रामपुर की जनता है उसके बीच एक मित्र पुलिस की फीलिंग पहुंचाना।